इसी एरिया में ही आपने क्यों अपना ये स्टोर खोला, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना हमारे और इधर सारे देहाती एरिया बहुत ज्यादा है। हमने इसको इसलिए शुरू किया है कि लोग आगे जाते थे दुकानों से, शॉपिंग करते थे, ग्रोसरी करते थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैशियत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से आप किस हद तक मैशियत के हवाले से ये है कि हुकूमत की जो है ना ताजरों के लिए कोई मराहत अच्छी नहीं है, टैक्सों पे टैक्स है, वहाँ बहुत ज्यादा तंग है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो रही है। टैक्सेस की भरमार से कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर हो? जो 100 रुपया था ना आज से 3 साल पहले वो अभी 50 रुपए रह गए। सारे सियासतदान है ना आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे की गिरेबान खींच रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको यकजा होके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना खान, आप देख रहे हैं HIT। नाज़रीन आज मैं नेमत कैश एंड कैरी के ओनर चौधरी आज़म के साथ मौजूद हूँ, आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सबसे पहले तो अपने आप स्टोर का पूरा नाम बताइए और ये बताइए कि किस जगह पर? जिसका नाम है नेमत कैश एंड कैरी के नाम से हमने ये बिजनेस शुरू किया है और ये गुरकी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है। इसी एरिया में ही आपने क्यों अपना ये स्टोर खोला, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना हमारे और इधर सारे देहाती एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत सारे गाँव है और उनको जरूरत थी इस स्टोर की। हमने इसको इसलिए शुरू किया है कि लोग आगे जाते थे दुकानों से, शॉपिंग करते थे, ग्रोसरी करते थे, उनकी जरूरत थी। जैसे हमने इसको फील किया, हमने यहाँ पे ये स्टेप लिया, हमने इस बिजनेस को शुरू किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसका। अमली जिंदगी का आगाज कब किया और कितना अरसा हो गया बिजनेस करते हुए? ये बिजनेस तो मैंने 2019 में शुरू किया था। वैसे मैंने बिजनेस का स्टार्ट जो है 2005 में शुरू किया था। अपनी जिंदगी जो है मेरा पहले वेदिया रोड पे सैनिटरी और पीवीसी का होलसेल का बिजनेस था जो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था, वो अभी भी चल रहा है, वो माशाल्लाह अच्छा सेटअप है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो कोरोना के दिनों में सारे बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन ये जो ग्रोसरी का सेटअप था ये चल रहा था, लोगों की जरूरत थी तो फिर ये हमने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कारोबार को सेटल करने में किन किन मुश्किल का सामना हुआ और कितना अरसा लगा बिजनेस को सेटल? मुश्किलात ऐसे कुछ भी नहीं थी क्योंकि जगह मेरी अपनी थी, फिर कंस्ट्रक्शन मैंने खुद की, इस पे ये सारा सेटअप मैंने अपने खुद से ही बनाया है, सारा विजन मेरा अपना है। तकरीबन समझ लेंगे मुझे 6 माह के अंदर अंदर मेरा सारा जो बिजनेस सेटअप था ना ये डेवलप हो गया था। मैशियत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से आप किस हद तक? मैशियत के हवाले से ये है कि हुकूमत की जो है ना ताजरों के लिए कोई मराहत अच्छी नहीं है, टैक्सों पे टैक्स है, वहाँ बहुत ज्यादा तंग है, हर चीज पे आए दिन टैक्सों की मद में प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, हमारी चीजों की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो रही है और ये सिर्फ टैक्सों की वजह से, कभी वो टैक्स कभी ये टैक्स, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा के चीजों की प्राइसेस जो बढ़ाई जाती है जो कि लोगों की परचेज पावर खत्म होती जा रही है और हमारी जो वैल्यू है मनी की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है। टैक्सेस की भरमार से कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर हो रहा है? इस तरह मुतासिर है कि जो अगर मेरा जो 100 रुपया था ना आज से 3 साल पहले वो अभी 50 रुपए रह गए, उसकी वैल्यू 50 रुपए रह गई है। मैशियत की बेहतरी और बहाली के लिए आप क्या तजावीज देना चाहते? ये देखिए ये जो सारे सियासतदान है ना आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे की गिरेबान खींच रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको यकजा होके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमें इत्तेहाद की जरूरत है, हम सारी सियासी पार्टियों को इत्तेहाद की जरूरत है, हमें इत्तेहाद करना चाहिए, कौमी मफाद में हमें इत्तेहाद करना चाहिए ताकि हमें अच्छी पॉलिसियाँ बना सकें और अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें। अगर कोई एक बंदा अच्छा काम करता है ना तो दूसरा उसकी टांगे खींचता है, वो अपोजिशन में बैठता है, उसको काम ही नहीं करने देते। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हम किसी को काम करने नहीं देते। अगर किसी ने अच्छा काम, किसी सियासतदान ने अच्छा काम किया है, दूसरे ने उसके नेगेटिव ही जाना है, उसको प्रमोट नहीं करना, बेशक वो किसी दूसरे सूबे में खुद वही काम कर रहा हो। लेकिन जैसे ये नून लीग ने ये ऑरेंज ट्रेन बनाई यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए बनाई है ना, इमरान खान वगैरह की जो गवर्नमेंट थी PTI वगैरह वो सारे इसके खिलाफ थे, लेकिन पेशावर में खुद उन्होंने बना ली। ये जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं एजुकेशन है, तालीम है, हॉस्पिटल है, ये इंसानों हमारे इंसानों की बेसिक जरूरतें हैं, ये इन लोगों को पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे को करने नहीं देते। PKLA नून लीग ने बनाया था, चुपाया इसने, PTI ने आके उसको बंद कर दिया, चलने नहीं दिया, क्योंकि नून लीग का प्रोजेक्ट था, अभी इन्होंने आके फिर शुरू किया है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने वहाँ से इलाज करवाया, वो बड़े मुतमिन है, वो लोगों की सहूलत है लोगों के लिए, यानी इलाज की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुल्क की जरूरत है, वो भी साथ साथ चल रहा है। ये जो परचेजिंग वगैरह है ये आप कहाँ से करते हैं? अच्छा इसमें ये है कि ये मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, GNP है, इस तरह की कंपनी जो है उनके नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, वो एक रूटीन बनी हुई है, वीकली उनके विजिट होते हैं, वो आके ऑर्डर टेक कराते हैं, हमसे ऑर्डर लेते हैं और उन्हीं कंपनी से हम डायरेक्टली माल खरीदते हैं।
हमें इस तरह की कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ये देखें एक छत के नीचे आपको हर तरह की चीज़ मिल रही है और इनको इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल है ना, अगर आप बाहर से जाकर परचेजिंग करेंगे। कोई मुश्किल वगैरह ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, मतलब हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है और इस लिहाज से तो हमें मतलब कंपनी की तरफ से जो भी कंपनियों के साथ काम करते हैं वो अकोमोडेट करते हैं, हर चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। एक हमने भी अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसी सिस्टम के मुताबिक ही हम वीकली ऑर्डर करते हैं हर कंपनी को और अगले दिन हमें डिलीवरी हो जाती है। जो आपका ये स्टोर है इसमें क्या क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें आपने? इसमें हमें ऑलमोस्ट जरूरत ज़िंदगी की हर चीज़ आपको मिल जाती है। हमारे पास ग्रोसरी सेक्शन है, मटन सेक्शन है, मटन एंड बीफ भी है हमारे पास, और बच्चों के लिए खिलौने भी हैं, मतलब हर तरह कन्फेक्शनरी भी है। जो भी ज़रूरत आपको एक घर के लिए चीज़ों की है ना, आप इरादा करें कि आपने ग्रोसरी करने जाना है, नहीं मत कैश एंड कैरी पे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको यहाँ से ज़रूरत की ना मिले। आपको यहाँ से ज़रूरत की हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे से मिलेगी, और यही कॉन्सेप्ट था। इस इलाके में ऐसा कोई स्टोर नहीं था पहले, क्योंकि वो आते हैं ग्रोसरी करते हैं और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और हमारे रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुनासिब है और हम सर्विस भी अच्छी देते हैं। ये अच्छा चल रहा है। इधर के लोगों की खिदमत आप किस तरह कर रहे हैं? यही है कि हम अच्छी चीज़ें देके और मेयार की चीज़ें देके लोगों की खिदमत, यही है कि एक नंबर चीज़ें देंगे, कीमतें कम होंगी और इसको हम खिदमत ही समझते हैं। अच्छी नंबर चीज़ें हमारे पास इंशाल्लाह ताला कभी किसी ने कम्प्लेन नहीं की। हम कंपनी से माल इसीलिए खरीदते हैं डायरेक्ट के एक नंबर चीज़ हमारे तक पहुँचे और वही चीज़ हम कस्टमर तक पहुँचाए। वैसे तो सारा शाल भी भरा हुआ है, दो नंबर चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन हम कभी उस तरफ गए ही नहीं। इसके अलावा कहीं और पर आपकी कोई और ब्रांच है? नहीं, अभी फिलहाल मेरी मुझे ये चौथा साल है यहाँ पे, अभी तो मैं इसको अपना एक बिजनेस को, जब तक आपकी पूरी ग्रिप ना हो जाए तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इसको एक्सपेंड करूँ, चेन ऑफ बिजनेस बनाऊँ। इस बिजनेस को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? मैं मुस्तकबिल में कोई प्लान है? हाँ, मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला, ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं हर मोहल्ले में, हर गली में, मतलब अच्छे अच्छे कस्बों में नियमित कैश एंड कैरी हो, हर बंदे की जुबान पे हो, जिस तरह ये गोरमे है, इस तरह की मतलब इस तरह की चेन बनाऊँ, हर बंदे को पता होगा नियमित कैश एंड कैरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हर चीज़ें मिलती हैं, तो लोगों की खिदमत इस तरह करना। देखिये जी, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी काम आप लोगों ने कर, किसी बंदे ने जो भी काम करना हो पहले उसको नॉलेज होना चाहिए ताकि वो काम को कर सके। अगर जब तक आपके पास किसी भी बिजनेस का नॉलेज ही ना होगा, उसकी बेसिक्स का पता नहीं होगा, तब तक किसी भी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। और काम बंदे को करने से ही आते हैं, काम करें तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है, अच्छी नेक नीति से काम करना चाहिए, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है, और जज्बा होना चाहिए कि हम लोगों की एक नंबर चीज़ें देना और म्यारी देना ये खिदमत ही है, और अल्लाह ताला भी ऐसे कामों में बरकत डालता है। नीयत अच्छी रखें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमने नेमत कैश एंड कैरी के ओनर से बात की, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।